विवेक रंजन अग्निहोत्री, ये नाम से तो आप सभी परिचित होंगे, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो हिंदू नरसंहार के ऊपर में, हिंदू जेनोसाइड्स के ऊपर में सत्य घटना पे आधारित इस फिल्म को बनाया गया था। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के CJI माननीय DY चंद्रचूड़ जी से हमारे कश्मीर अनरिपोर्टेड में प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर कश्मीरी हिंदू नरसंहार के मामलों को स्वतः संज्ञान से खोलने का अनुरोध किया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाली हिंदू पीढ़ियां याद रखेगी कि वह जहां न्याय दे सकते थे वहां न्याय देने में विफल रहे। आइए इसी से जुड़ा हुआ उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को स्पष्ट तरीके से सुन के समझते हैं। मैं भारत के चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वो रिटायर होने के पहले एक धर्म का काम करके जाए, और वो सबसे बड़ा धर्म जो उनको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति उससे होगी, जिससे उन्हें वाकई में बहुत बहुत ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड 32 साल पहले हुआ है, उसको चंद्रचूड़ जी चाहें तो सुओ मोटो खोल सकते हैं, और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उनके पास एविडेंस नहीं है, मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी से कहता हूँ अगर वो एविडेंस देखना चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के 7 एपिसोड देख लें, और उससे उनको इतने एविडेंस मिल जाएंगे कि वो चाहे तो सुओ मोटो इसको खोल सकते हैं। जो काम भारत सरकार और कोर्ट्स को करना चाहिए था, कश्मीर जेनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने का, वो हमने किया है, हमारे पास है, वही अपने आप में एविडेंस।